अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला शाह फ्रॉम दार सलाम एंटरप्राइजेस। आज जिस लोकेशन में हम खड़े हैं ये ब्लॉक सी 120 स्क्वायर यार्ड्स की लोकेशन है। ये हमारे पास बेंगलो आया हुआ है जो आपको इंशाल्लाह अभी चल के विजिट करवाते हैं। तो इसके विजिट कराने से पहले मैं आपको उसकी लोकेशन का आइडिया करवाता चलूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये 70 फिट रोड है, ये 40 फिट है, उसके बराबर में 30 फिट है, तो टोटल ये 70 फिट रोड है और उसके सामने ग्रीन बेल्ट आएगी। तो ये लोकेशन है, तो आइए हम अंदर चलते हैं। तो हम अंदर आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह इन्होंने कितना खूबसूरत वॉल आर्ट करवाया हुआ है। और इधर गली में एक वॉश बेसिन भी है कि अगर आपने बाहर ही हाथ वगैरह धोना हो तो। और यहाँ पे एक कारपोर्ट टाइप है, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। तो हम आए अंदर चलते हैं। तो ये हम अंदर आ गए, ये माशाल्लाह लाउंज का एरिया है। नीचे देख सकते हैं आप माशाल्लाह इन्होंने मार्बल लगाए, ऊपर फॉल सीलिंग देखे इन्होंने, इर्द गिर्द LED का टच दिया है कि माशाल्लाह खूबसूरत लगे। और ये किचन है हमारे पास, ये टर्बो चिमनी भी लगाई हुई है उन्होंने और एक्रेलिक के कैबिनेट्स हैं और ये भी मार्बल है। अच्छा माशाल्लाह ओपन किचन है, अच्छी किचन ये है। यहाँ पे इन्होंने टीवी लाउंज दिया, टीवी का जगह दी है कि यहाँ पर टीवी भी लगाए। तो एक बेडरूम ये है, एक ड्राइंग रूम है। तो आइए दिखा दें आपको कि ये बेडरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है और ऊपर इन्होंने स्टोरेज एरिया भी दिया है कि यहाँ पे आपको कुछ आपके पास चीज़ें हों तो स्टोरेज भी करा सकते। इसकी भी फॉल सीलिंग देखें कि माशाल्लाह कितनी अच्छी फॉल सीलिंग है। इसके भी दिल LED की एक टच दिया हुआ है जो कि बटन से कनेक्ट हो सकता है और ये पूरा ऑटोमेटेड है, तो ये Alexa से कनेक्टेड है। तो एक बेडरूम ये है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी भी फॉल सीलिंग देखें माशाल्लाह बेहतरीन फॉल सीलिंग है। और इन्होंने स्टोरेज एरिया भी दिया है कि आप अपना सामान वगैरह रखना चाहें तो स्टोरेज एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है और यहाँ पे एक गली है जो कि आप खोल सकते हैं, इसको वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख लें और इजीली यहाँ पे वॉशिंग है क्योंकि ये खुला है पूरा एरिया। तो हम ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने एक किचन दिया है कि यहाँ पे भी आपको किचन की ज़रूरत होता है। यहाँ पे भी यही वही एक्रेलिक किचन है और टर्बो चिमनी भी लगी हुई है। ये लाउंज है, एक बेडरूम ये है, यहाँ पे भी सेम वही प्लानिंग है, दो बेड है विद अटैच बाथरूम और ड्राइंग रूम। एक बेडरूम ये है, ये बाथरूम है और साथ इसके वही स्टोरेज यूनिट है। दूसरा बेडरूम वो है और इसकी भी फॉल सीलिंग देखें माशाल्लाह, इसके भी चारों तरफ LED लगाई हुई है इन्होंने। एक बेडरूम ये है, इसका भी वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है, साथ इसके स्टोरेज यूनिट है। आइए हम छत पे चलते हैं, छत वाले पोर्शन पे आ गए। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी दिया है कि यहाँ पे आप अपने स्टोरेज वगैरह रखने चाहिए। कैबिनेट्स हैं अच्छे माशाल्लाह, ह्यूज कैबिनेट्स हैं और ये उल्टे हाथ पे बच्चों के लिए उन्होंने एक जगह छोड़ी है कि बच्चे यहाँ पे आके खेल भी सकते हैं। तो हम ये ज़रा अंदर आए, तो ये छत का एरिया, अच्छा ये उल्टे हाथ पे उन्होंने एक जगह छोड़ी हुई है कि यहाँ पे इन फ्यूचर अगर आपकी कोई तकलीफ वगैरह हो तो वॉशरूम बनाना हो तो यहाँ पे एक वॉशरूम ही बना सकते हैं, पाउडर वॉशरूम, जो छोटा वॉशरूम होता है यहाँ पे वॉशरूम ही बना सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह एक वजू खाना इन्होंने बनाया और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी हवादार छत है। और इसके छत से ज़रा इर्द गिर्द देखेंगे माशाल्लाह कितने घर तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, कितने ग्रे स्ट्रक्चर में और कितने मजीद इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे घर। तो आपको या आपके जानने वाले को इस बेंगलो के बारे में मालूम लेनी हो या और किसी बेंगलो के बारे में मालूम लेनी हो या प्लॉट चाहिए हो या कंस्ट्रक्शन करवानी हो इस तरह की, हमसे ज़रूर रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला शाह, दार सलाम एंटरप्राइजेज़।